दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आया दोस्तों, उसमें बहुत ही बड़ा आप लोग देखोगे तो एक मतलब शक की निगाहों से हम लोग रिजल्ट को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है आप लोग देख रहे हो और जितने बच्चों का मेरे पास कॉल आया है, मैंने कुछ बच्चों का आंसर की खुद मिला रखा था दोस्तों, तो मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि कुछ बच्चों का साथ नॉर्मलाइजेशन में इतनी दिक्कतें हुई हैं जिसको हम लोग ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। जैसे देखिए कुछ बच्चों का 102 नंबर था, ठीक है, और उनके 55-56 क्वेश्चन तक भी ठीक थे, लेकिन उनके जो है नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ बच्चों के, बात करें जैसे मान लो जिसका 55-56 था तो उसका ऑटोमेटिक बन रहा था 112-113 नंबर, लेकिन उनका नहीं हुआ। 115 नंबर तक भी बनने वाले बच्चों का नहीं हुआ, लेकिन जिनका 102 बन रहा, जिनका 100 बन रहा था, उनका नाम जो है लिस्ट में देखने को मिल गया। अब देखिए किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आपका हुआ है। अब एक आध दिन में आप लोगों का, यानी 27 तारीख से शायद मुझे डेट बताया गया है कि 27 तारीख से आप लोग अपना जो है मार्क वगैरह देख सकते हो। देखिए दोस्तों, दो तीन चीज़ों पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहली बात मैं ये करने वाला हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने देखा होगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया था, सारे टीचर सारे यूट्यूबर एक ही चीज़ बता रहे थे कि 400,000 बच्चों का रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर 400,000 बच्चों का रिजल्ट होगा और आप लोगों को ये पहले से पता था 400,000 बच्चों का रिजल्ट होना है, तो ये बताइए आप किस तरीके से कह सकते हो कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है। जो कट ऑफ दे रहे थे लोग तो 100-100 नंबर पर भी फाइनल चयन करवा दे रहे थे निगेटिव मार्किंग बता करके, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कट ऑफ 130 तक देखने को मिली, यानी कहने का मतलब है कि 123-124 नंबर जो जिस बच्चे का आया वो खाली फिजिकल में जा सकता है। और स्टेट की बात करें दोस्तों, वो भी काफ़ी हाई कट ऑफ गई आप लोगों की। इतना तो हम लोग कट ऑफ की को मान ही नहीं सकते, इतना तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि इस तरीके से कट ऑफ कैसे जा सकती है। इसका मतलब है जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो मान के चलिए आप लोग कुछ पोस्टों की, जैसे मान लीजिए एनसीबी की बात करें, एनआईए की बात करें, तो वहाँ तक 150 चली जाएगी। अगर मैं बात करूँ सीआरपीएफ बेस से किसी से लोएस्ट जाती है उसकी, तो चली जाएगी आपका 140 तक। तो फिर बताइए इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली गई, ठीक है ना, और इतने सारे बच्चे कैसे आ गए जिनके इतने अधिक नंबर बन रहे हैं। देखिए रिजल्ट को लेकर के तो संदेह दोस्तों पैदा हो रहा है। कभी भी जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी इतना रिजल्ट नहीं जाता था, यानी इतना हाई कट ऑफ नहीं देखने को मिलता था। ये पहली बार हुआ है एसएससी के इतिहास में जब एसएससी जीडी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई देखने को मिली है। और दोस्तों आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा और आप लोगों से विनम्र निवेदन है दोस्तों कि आप लोग अच्छे लोगों से जुड़िए और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा बिलीव करिए। आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अच्छे लोगों की संगत में रहें और सेल्फ स्टडी पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करो, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि जब तक रिजल्ट नहीं आया था तो सभी लोगों ने इतना हाइप क्रिएट किया, इतना हाइप क्रिएट किया, आज रिजल्ट कल रिजल्ट, इतना कट ऑफ उतना कट ऑफ। अब आज आप जा करके उनसे पूछो, उन टीचरों से पूछो जो मोटी कमाई कर रहे थे आपको फिजिकल करवा करके, उनसे पूछो जा करके कि सर हमको ये बताइए जो है कि आप लोग तो इतना कट ऑफ बता रहे थे इतना हाई। और अगर चलिए मैं मानता हूँ कि सबसे गलती हम लोगों से भी गलती हो सकती है दोस्तों, कि मान लीजिए अगर आपने हमने बताया 105 नंबर कट ऑफ, 110 नंबर कट ऑफ चली गई, 112 नंबर कट ऑफ चली गई, 10 नंबर का मार्जिन हो सकता है, 15 नंबर का मार्जिन हो, यहाँ पर 30-40 नंबर का मार्जिन देखने को मिल रहा जो कट ऑफ लोग बता रहे थे, तो आप लोग उनसे भी पूछिए। ये सब दोस्तों बस एक तरीका होता है अपना एक मार्केटिंग चमकाने का और आप लोगों को खाली हाइप क्रिएट करके बेवकूफ बनाने का। दोस्तों मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा, आप लोग समझदार हो, बेवकूफ मत बनो, लेकिन आप लोग खूब अच्छे से अपनी तैयारी करो। जिन दोस्तों का हमारे हो गया वो अच्छे से तैयारी करें, लेकिन जो ये आपका रिजल्ट आया दोस्तों, इस पर तो संदेह जाता ही है कि किस तरीके से आपका ये रिजल्ट को जारी किया गया, ठीक है ना। और जैसे ही दोस्तों आप लोगों के नंबर आएंगे तो हम लोग बेहतर बात करेंगे किस तरीके से हुआ है, लेकिन जो अभी तक मेरे पास जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि इस रिजल्ट में दोस्तों बहुत ही बड़ा जो है कोई मिस्टेक देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हो जिसका बच्चे का 102 वाले का हो गया, 115 वाले का नहीं हुआ, ऐसा कौन सा नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसकी माध्यम से इस तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे साथी हमारे बहुत नाराज़ हैं, बहुत दिक्कत उनको हुई है, इतने मैसेज हमारे पास आए हैं उन साथियों के, उनसे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों अपना हौसला बनाए रखो, अभी आगे और वैकेंसीज आने वाली है। सीआरपीएफ ट्रेडमैन की 9,200 पोस्ट पर वैकेंसी चल रही है, उसको अच्छे से आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जिन साथियों का अग्निवीर वगैरह का एग्जाम है, एओसी का एग्जाम है, खूब अच्छे से अपने एग्जाम को दीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।